तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 18 राज्यों में एनडीए की सरकार है और 13 राज्यों में अकेली भाजपा की सरकार है। देश के लगभग 58% भूभाग पर भाजपा की सरकार है। पूरे एनडीए गठबंधन को अगर जोड़ लें तो भी वो भाजपा से कम है। 13 राज्यों में कांग्रेस पार्टी शून्य पर है और पूरे एनडीए गठबंधन को जोड़ लें फिर भी अकेली भाजपा इन पर भारी पड़ती है। मैं इसके साथ साथ यह भी आपको बताना चाहता हूं कि हम अकेले ऐसे हैं पार्टी हैं जो अगर हम अपने व्याप को देखें तो हम कह सकते हैं कि 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आज 18 राज्यों में है और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 राज्यों में है अकेली भारतीय जनता पार्टी। और मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि हम लगभग 58% के भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 58% के और 57% के भूभाग 57% की जनसंख्या पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है 57%। मुझे बड़ा आश्चर्य होता हूं, आपको भी बताना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग में अजब सा उत्साह आ गया, बड़ी जीत हासिल हो गई। ये तो वही हुआ जैसे कोई हमेशा फेल होता हो वो पास मार्क से पास कर जाए तो बड़ा खुश हो जाए, ऐसा कांग्रेस का हाल हो गया। मित्रों मैं बताना चाहता हूं कि सारी एनडीए जोड़ लो, सारी एनडीए और सारी इंडिया जोड़ लो, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, सारी इंडिया अलायंस, तब भी अकेले भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कम है, कम पड़ते हैं, यह भी हमको याद रखना है। और ये जो कांग्रेस पार्टी है ये 2014 के लोकसभा के सदस्यों को जोड़ ले, ये 2019 के लोकसभा के सदस्यों को जोड़ ले और ये 2024